पहली बात की मैं वहाँ मौके पर था ही नहीं, वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड हम खेल रहे हैं, उल्टा चोर को तोड़ डटे, गुंडागर्दी भी करेंगे, सेनाजोरी भी करेंगे। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुशीनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। कुशीनगर लोकसभा में क्या माहौल है और इनकी कितनी मजबूत दावेदारी है और भी तमाम सवाल इनसे करेंगे। स्वामी जी, एक सबसे बड़ी बात तो एक तो कल की घटना हुई, शुरुआत उसी से करेंगे, तो उसको लेके पहली प्रतिक्रिया आपकी। पहली बात ये कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गुंडा राज का एक जिस तरीके से वो आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग किया, मारपीट की और साथ ही साथ नंगा नाच किया, रवैया था इतना ढीला था जैसे लगता उनकी मिली भगत रही हो। मैंने भी रात में करीब 1 बजे बात किया एसपी से, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करा रहा हूँ, सुबह तक FIR नहीं लिखी। एक सवाल और था कि पिछले चुनाव में भी जो है आपके काफिले पे हमला हुआ था और तमाम वो सब चीज़ें हुई थी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप जो है मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहली बात तो मैं वहाँ मौके पर था ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला जाना, ये विक्टिम कार्ड कहाँ है? शराब पी करके कमंटा तमंचे से आकर के फायरिंग करना, वो भाजपा के लोग कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड हम खेल रहे हैं, उल्टा चोर को तोड़ डटे, गुंडागर्दी भी करेंगे, सेनाजोरी भी करेंगे, ये बात नहीं चलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये रहा तो हम भी अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देंगे, सठे साठम समचरित, अगर कहीं भी तरह से बच्ची बताएंगे तो रक्षा में विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ मौर्य जी, इनका कहना है कि सरकार में इनके इशारे पर इनके कार्य की गई। क्या मैं था मुझे न्यूज़ इंडिया।